नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने बुधवार को नए संसद में पहली बार केंद्रीय मंत्री के समक्ष अपना प्रश्न रखा। इस दौरान सांसद ने कोल इंडिया लिमिटेड की कार्य कुशलता बढ़ाने के बारे में जानकारी मांगी। वहीं संसद में प्रश्न करते हुए सांसद रवि किशन ने केंद्रीय मंत्री से पूछा कि वर्तमान समय में पूरे देश में कोयला विभाग किस तरह कार्य कर रहा है, कोल इंडिया लिमिटेड के कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। वहीं सांसद रवि किशन ने प्रश्नों को जवाब देते हुए कोयला विभाग के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि वर्तमान समय में कोयला विभाग पूरे देश में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ इसके विकास और विस्तार के लिए कार्य कर रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वर्तमान समय में कोल प्रोडक्शन के डिजिटाइजेशन के लिए व्यापक स्तर पर कार्य चल रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कोल आवंटन और ब्लॉक आवंटन को पूरी तरह बनाया गया है। कोल उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान समय में देश में 1 बिलियन टन कोयले का उत्पादन हो रहा है। सांसद रवि किशन ने कहा कि वर्तमान समय में पूरा देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसका पूरा श्रेय पीएम मोदी को जाता है। आज पूरे विश्व में देश की नई और अलग पहचान है। देश नेतृत्वकर्ता की भूमिका में नजर आ रहा है। समाज के हर वर्ग का उत्थान हो रहा है। पीएम मोदी के विजन ने पूरे देश को नई दिशा प्रदान की है। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति अत्यंत आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने विस्तृत में उत्तर दिया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोल इंडिया के ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से ये भी जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि कोल इंडिया के बेहतर डिजिटाइजेशन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार नए सदन में बोल रहा हूं, उसके लिए धन्यवाद। सर, ओवरऑल कोल प्रोडक्शन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। सर, मेन क्वेश्चन है कोल प्रोडक्शन के ऊपर। डिजिटाइजेशन और जो नया टेक्नोलॉजी कोल प्रोडक्शन में और ओवरऑल जो कोल इंडिया में और जो हमारा सब्सिडरी है उसमें डिजिटलाइजेशन के लिए बहुत बड़ी मात्रा में काम चल रहा है सर, लेकिन द लेटेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत है उसने हमने इस्तेमाल किया है। और जो पॉलिसी चेंजेस है, इससे पहले के 2014 माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले जो कोयला आवंटन में जो कोल इंडिया उत्पादन करते हैं वो कोयला आवंटन में और कोयला ब्लॉक आवंटन में दोनों गफला होता था, लेकिन आज हमने इतना ट्रांसपेरेंसी लाया है, कोई भी किसी भी लेवल का व्यक्ति, मंत्री सहित किसी भी व्यक्ति 1 किलो कोयला किसी को डिस्क्रिशनरी नहीं दे सकते हैं। एक भी कोयला ब्लॉक हम डिस्क्रिशनरी आधार पर नहीं दे सकते। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमने लाया है और इसके कारण देश में कोयला का उत्पादन भी बढ़ा है। जो सिर्फ 540 मिलियन टन होता था, इस बार हम 1 बिलियन टन हम उत्पादन करके देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम बहुत बड़ा स्टेप्स लिया है। और आने वाले 2 वर्ष में पूरा सब्स्टिट्यूटेबल जो कोल है उसका इंपोर्ट हम पूरा बंद करने वाले हैं।